जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मोहन में। मैं मोहन आप सभी का स्वागत करता हूं। और आइए आज की इस वीडियो में, कल से जो नोटिस आया है ESV के पास से, तब तक जो है वो खलबली मची हुई है। देखिए उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, सारी बात जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को जो है वो बताऊँगा। देखिए क्या हुआ था, जब पिटीशन आई और पिटीशन आने के बाद ऑर्डर आए, बहुत से लोगों के ऑर्डर आए, बहुत से लोगों के जो है वो ऑर्डर नहीं आए, ठीक है। तो उसमें बस यही लिखा है कि जिन भाई बहनों ने पिटीशन लगाई है, जिनकी पेंडिंग पड़ी हैं, तो पेंडिंग जिनकी पड़ी हैं यदि वो खारिज हो गई तो फिर जो आपके एडमिट कार्ड है वो स्वतः ही क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। परंतु यदि आप केस जीतते हैं तो फिर क्या होगा, आप पेपर देने के लायक होंगे और आगे की भी आपको चांस मिलेगा, ठीक है। और बहुत से भाई बहनों ने क्या हुआ था, जब साइट खुली तो हर कुछ डालकर जो है वो फॉर्म भर दिया था। मैंने एक दिन बोला भी था वीडियो में, यदि आप पहले की वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने ये बताया था कि आप सभी लोग जो है इल्लीगल तरीके से कोई काम करेंगे तो वो आपका काम जो है वो सही तरीके से नहीं होगा। क्योंकि भाई व्यापकता पागल थोड़ी है कि वो आपको हर कुछ डाल के, आप हर कुछ सीरियल नंबर या हर कुछ WP नंबर डाल के आप फॉर्म भर देंगे और वो आपको पेपर दे देने जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपने इल्लीगल तरीके से यदि कोई काम किया है तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो स्वतः ही क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा और आप परीक्षा से वंचित हो जाएंगे, ठीक है। यदि आपको परीक्षा देने भी मिल जाए तो कहीं ना कहीं वो आपको आगे भी अटका सकता है। तो इतनी सी बात थी, आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी। और बाकी बहुत सी जो चीज़ें हैं, ठीक है, 40-50% ये सब चल रहा है। आपने सर चौहान सर की भी वीडियो देखी होगी। और भाई देखो, किसी ने जो है वो पिटीशन लगाई थी, किसी ने किसी दूसरे के पास, किसी ने किसी के पास, तो जिससे आपने पिटीशन लगवाई थी आप उनसे बोले, ठीक है। उनके जो वकील है वहाँ पर उपस्थित क्यों नहीं हुए, उनके वकील यदि उपस्थित वहाँ पर नहीं हुए, इस वजह से क्या हुआ, जो याचिका थी वो सारी की सारी क्या हो गई, खारिज हो गई, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ये नेगेटिविटी की बात है, आप लोगों ने इतना भरोसा करके लगाया और वहाँ पर यदि वकील ही नहीं पहुँचे तो एक बहुत बुरा मैसेज जो है वो आप लोगों के पास जाता है। तो अब कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि एक दिन जो है चौहान सर ने जैसे कि बताया था, कोर्ट में जब पेशी थी या फिर वहाँ थे, 26 को नहीं आए कोई बात नहीं, परंतु एक दिन का उन मौका दिया था, परंतु तब भी यदि आप लोग नहीं पहुँचे तो फिर इसमें किसी की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो है वह है आप लोगों की हो गई, जबकि चौहान सर वहाँ मौजूद थे और चौहान सर के पास जिन लोगों ने लगाई है वो सभी भाई बहन है धैर्य रखेंगे और ये मानकर चलेंगे कि अभी भी जो पेंडिंग पड़ी है चौहान सर की, जो कोई भी याचिका है वो खारिज नहीं हुई है। तो आप उन पर विश्वास बनाए रखिए और विश्वास के तौर पर मैं कहूँगा कि तैयारी भी आप करते रहिए। और जिन लोगों का एडमिट कार्ड आ गया है वो तैयारी रखेंगे। अब याचिका जिन लोगों की खारिज हो गई तो भाई क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। कुछ वकीलों की भी गलती है। अब उन्होंने किस आधार पर जो है वो केस लड़ा था और किस आधार पर केस लगाया था ये तो वही जानते हैं। बाकी जो चौहान सर का था उनकी अभी तक कोई खारिज नहीं हुई है। जिन लोगों का ऑर्डर आ गया है वो अच्छे से पढ़ेंगे और जिन लोगों का पेपर है वो अच्छे से पढ़ाई पर भी जो है वो क्या देंगे, ध्यान देंगे। और ज़्यादा आप लोग इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें। बाकी कल से ये जो आया है, ठीक है, उसमें बस यही लिखा है, ठीक है, कल भोपाल खबर में ये जो आया है उसमें यही लिखा है कि जो अंतरिम राहत जिन लोगों को मिली है, अभी तो उन्होंने क्या कर दिया, एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, परंतु यदि उनकी याचिका खारिज हो गई तो फिर आपका जो एडमिट कार्ड या फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी ये निश्चित है, ठीक है। तो सभी लोग आप लोग समझ गए होंगे कि कोई बड़ी बात नहीं थी और बाकी जो गलती हो गई है वकील, अब आप ध्यान रखिए, आप कभी भी जब वकील या कोई भी केस लड़ें तो एक वकील का बहुत महत्व होता है, तो आप अच्छे सा वकील देखें और अच्छे तरीके से जो है वो अपनी आप पढ़े लिखे हैं उस हिसाब से सारी चीज़ों को करें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर कभी। और यदि कोई डाउट या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अभी के लिए इतना ही, बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए। 2 तारीख से आपका पेपर है, किस किस का पेपर है मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे, किस तारीख को किसका पेपर है यदि आप बताना चाहें तो बिल्कुल बता देंगे। और भोपाल में यदि आपको कोई दिक्कत होती है बस मस की वगैरह की, कहीं उतरते हैं तो आप मुझे बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में करके। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।